सीएम नीतीश कुमार ने तर्क दिया है कि बिहार समुद्र किनारे नहीं बसा, इसलिए यहां बड़े उद्योग धंधे नहीं। नीतीश की इस दलील पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन पर करारा प्रहार करते हुए इसे झूठा करार दिया। नीतीश पर चिराग पासवान के नए हमले से बिहार की सियासत गर्मा गई है। उद्योग पर दिए बयान पर घिरे नीतीश, चिराग पासवान का नीतीश पर निशाना, विरोधियों का भी मिला साथ, नीतीश के तर्क पर तकरार। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते हैं, कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता, समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, आगे भी बहुत सारी नीतियां हम लोगों ने बनाई है कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं यही उनको काम करने की सुविधा मिले, उस पर भी बहुत सारा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आगाज के दौरान सीएम नीतीश के इस बयान को विरोधियों ने हाथों हाथ लपक लिया है। बिहार में बड़े उद्योग नहीं लगाने के नीतीश के तर्क को एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश अपनी नाकामी को ढकने के लिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। यहाँ पर निवेश ना के बराबर होता है। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार कब हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट बुलाया था। जब तक आप इन्वेस्टर समिट नहीं बुलाएंगे, जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स में आप बदलाव नहीं करेंगे, जब तक निवेशकों को आप सस्ती दरों पर सही जगह पर आप ज़मीन उपलब्ध कराकर नहीं देंगे, जब तक उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देंगे तो निवेश होगा नहीं। जब तक निवेश नहीं होगा उद्योग नहीं आएगा। नीतीश के विरोधियों ने भी चिराग पासवान के बयान का समर्थन किया है। चिराग पासवान जी ने सही सवाल खड़ा किया है जो जनता के जहन में सवाल है, जिस बात को तेजस्वी यादव जी लगातार उठाने का काम कर रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, चिराग पासवान जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी वही बात कर रहे हैं जो मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार फेल है, ये मैं भी कह रहा हूं और चिराग पासवान जी कह रहे हैं, आज दोनों की बात को जनता मान चुकी है, इसलिए नीतीश कुमार के आने का कोई सवाल ही नहीं है। उधर चिराग पासवान के बयान पर जहां जेडीयू ने पलटवार किया है, वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि एलजेपी के समर्थन के बावजूद पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है और जल्द ही एलजेपी को लेकर बना भ्रम टूट जाएगा। चार महीने में ऐसा क्या हो गया, इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना कि चार महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज आप नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन चार महीनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि आपको नीतीश कुमार से द्वेष होने लगा। कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। दरअसल बिहार में बड़े उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से यहां से लाखों लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। कोरोना काल में बिहार के लाखों मजदूरों और कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। विपक्ष लगातार उद्योग धंधे को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछता रहता है, जिस पर नीतीश ने सफाई दी थी। हालांकि नीतीश की ये सफाई विपक्ष के गले नहीं उतर रही। बिहार के वोटरों पर नीतीश की दलील का क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।